इलस्ट्रेशन निकालिए, पहले आईटीआर खुद निकाल के रखेंगे, फिर देखेंगे वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है और रिमेनिंग सेम। वी हैव इन द क्वेश्चन व्हाट एवर ही इज गिविंग, आई एम जस्ट राइटिंग फॉर यू ऑन द बोर्ड। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 20,000, परचेसेस आर 1,60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 60,000। चलो जी पहले निकलवाओ आईटीआर, बाकी बातें तो बात की है। एवरेज इन्वेंट्री सीधा आ गई, 20 + 60 डिवाइडेड बाय 280, 80,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 40, सो डिनोमिनेटर आई कैलकुलेटेड 40,000। इज इट ओके विद यू? हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आई एम अज्यूमिंग 0। डन, फॉर्मूला याद है जो COGS का फॉर्मूला हुआ करता था, वही कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है। 20 + 160 = 180, 180 में से 60 माइनस किया, बोलो कितना आया, 120। सो थ्री टाइम्स आंसर आ रहा है बच्चों। नीचे वाली ट्रांसैक्शंस यू विल रीड एंड यू विल फाइंड इज इट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रिमेनिंग सेम, थ्री टाइम्स जानना है, टाइम्स में आता है सारी एक्टिविटीज का आंसर। चलो जी पहला पॉइंट पढ़ते हैं, अगेन जर्नल एंट्री एंड डबल साइडेड ड्यूअल इफेक्ट वी विल बी इमेजिनिंग एंड देन वी विल बी थिंकिंग इज इट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रिमेनिंग सेम। उसने में थ्री टाइम्स निकाला, डन। सेल ऑफ गुड्स, बेटे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है सोचने में, क्योंकि स्टॉक का आपने सोचना होता है और स्टॉक दो तरह का क्वेश्चन में रहता है, वन इज ओपनिंग, अनदर इज क्लोजिंग, और फिर स्टॉक की एवरेज भी रहती है। सो यू नीड टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर इज इट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रिमेनिंग सेम। कोई एक पार्ट एमसीक्यू में आ सकता है, सेल ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 20,000 कॉस्ट रुपीज 16,000। पहले एंट्री करते हैं फिर इफेक्ट देखेंगे, बोलो जी एंट्री। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल 20,000, कॉस्ट जितनी मर्जी हो, मैंने जितने में बेचा है, सेल की एंट्री तो सेलिंग प्राइस से होनी। अब इफेक्ट देखो, ओपनिंग स्टॉक पे फर्क पड़ा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक पे, क्या क्या इफेक्ट पड़ा होगा, चलो सोचो सोचो क्या इफेक्ट पड़ा होगा। स्टॉक गया, क्लोजिंग स्टॉक मान के चलूंगी, क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, और क्या हुआ, कैश कहीं पे आता है फॉर्मूला में, कैश कहीं पे नहीं आता। एवरेज स्टॉक पे भी फर्क पड़ा होगा और क्लोजिंग स्टॉक पे भी फर्क पड़ा होगा। चलो जी हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कितना था, चेक करवाओ मेरे को, मैंने आंसर निकालना है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कितना है 20, परचेसेस कितनी है 160, मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया क्योंकि सामान बिका, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कम हो गया, कितने से कम हुआ, 16 से, बिकॉज स्टॉक इज टू बी रिड्यूस विद द कॉस्ट प्राइस नॉट विद द सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक था कितने का, था कितने का 60 का, 16 माइनस करके 44 का रह गया। न्यूमिरेटर इजिली कैलकुलेट कर लोगे, 180 में से 44 माइनस किया 136, न्यूमिरेटर 136। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है 20, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 44, डिवाइडेड बाय 2 एवरेज 64 बन गया, 64 को 2 से डिवाइड किया 32, आंसर निकालो जरा, इज इट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रिमेनिंग सेम। सेम तो नहीं है, इंक्रीजिंग है, चेक करो उसने क्या लिखा, मेरे को लगता है परचेजेस पे फर्क ना डाला हो। ठीक है जी, उसने मेरे जैसी कैलकुलेशन करी, आई वॉज डाउटफुल कि परचेजेस तो नहीं कम लेस करेगा, तो एवरी टाइम यू सेल द स्टॉक यू डिक्रीज योर ओपनिंग। का मतलब क्या है, ओपनिंग तो पिछले साल का बचा हुआ सामान ना, सो इस साल जो मैंने बेचा स्टॉक में से बिका। ठीक है, देखो जरा इसने इफेक्ट क्या लिखा, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इन्वेंट्री, विच इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, सारा कुछ लिखा है जो मैंने प्रैक्टिकली करके बताया, ही रोट इन थ्योरी एज वेल, डन। 136 अकॉर्डिंग टू हिम आल्सो डिवाइडेड विद 32,000, इट कम्स टू बी 4.25:1, सो इट इज इंक्रीजिंग। अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट सॉल्विंग इट, यू विल नॉट अराइव एट द राइट आंसर, माइंड इट। अगला करें, इरेज इट, सेकंड पढ़ो, रीड सेकंड, कुछ ना कुछ टिपिकल वाले जरूर होंगे जिसपे हमें सोचना पड़ेगा वंस और ट्वाइस। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 20,000, बोलो जी ओपनिंग कितनी है 20, परचेसेस कितनी है, क्लोजिंग पहले कितना था 60, कहता है क्लोजिंग को बढ़ा दो 40 से, इट मींस की क्लोजिंग 1,00,000 हो गया, इंक्रीज ही है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 20,000 से, पहले कितने 60, अब 80 कर दो। ठीक है,
यहां का टोटल बना 180, 180 में से 80 माइनस किया, न्यूमिरेटर 1 लाख, डिनोमिनेटर में भी तो फर्क पड़ना है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, दिस इज ओपनिंग 20, दिस इज क्लोजिंग 80, 1 लाख बना, एवरेज निकाला 50, तो रेशियो इज डिक्रीजिंग, चेक करो डिक्रीजिंग है। हमारी तरह कैलकुलेट किया उसने, 2 टाइम्स आंसर आया, 1 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स। बार बार बोल रही हूं, जब तक सॉल्व नहीं करोगे यू कांट अराइव एट द राइट ऑप्शन, माइंड इट। आगे बोलो, गुड्स पर अब एंट्री बोलो, डबल इफेक्ट सोच के बोलना जरा। परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश है, परचेसेस भी बढ़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ेगा, डबल इफेक्ट है। ये खरीद के लेके आया, गोडाउन में रख दिया ना, तो मेरे फॉर्मूला में परचेसेस भी आता है और क्लोजिंग स्टॉक भी आता है। मेरे हिसाब से ना, मैं सिंपली एक बात वैसे बोलू, COGS विल नॉट बी इफेक्टेड, COGS विल नॉट बी इफेक्टेड, यस, क्योंकि 20,000 से अगर परचेसेस फॉर्मूला में ऐड होनी है तो 20,000 से स्टॉक कम भी होना है, COGS विल नॉट बी इफेक्टेड, बट डिनोमिनेटर विल गेट इफेक्टेड, क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो एवरेज बढ़ जाएगी, जब एवरेज बढ़ जाएगी मींस डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, रेशियो विल डिक्रीज। डू यू वॉन्ट टू चेक इट, चेक करें, चलो करवाओ। ओपनिंग वॉस, ओपनिंग स्टॉक वॉस 40 का खरीदा ना, ओपनिंग स्टॉक कितना है 20 का 20 रहा, परचेसेस कितने की थी 160 की, 40 ऐड कर दिया क्योंकि खरीद के लाए हैं सामान, परचेसेस 2 लाख की हो, स्टॉक कितने का था 60 का, 40 का और बढ़ गया 1 लाख हो गया, डन। 2 लाख में से 1 लाख माइनस किया, 1 लाख 20,000 ऐड किया 120, सो न्यूमिरेटर इज 120, दिस इज ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग, डन। 20 प्लस लाख 120 डिवाइडेड बाय 60, 2 टाइम्स आंसर चेक करो, डिक्रीजिंग, डन, डबल इफेक्ट, दिस आई वाज वेटिंग फॉर, व्हेनेवर गुड्स आर बीइंग परचेस्ड, 2 टर्म्स आर बीइंग इंक्रीज्ड, वन इज योर परचेसेस एंड अदर इज योर स्टॉक। प्रैक्टिकल होके सोचो, ये सामान खरीद के लेके आए, गोडाउन में रख दिया ना, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा भाई, बिका थोड़ी ना, अभी बिकने से क्या काम होता है, क्लोजिंग स्टॉक कम्स डाउन, दैट्स इट, एंड कैश इंक्रीजेस। अगर उधार पे बेचे तो डेटर्स इंक्रीजेस, लेकिन कैश और डेटर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ माय फॉर्मूलास हियर, हैड इट बीन द करंट रेशियो तो इफेक्ट पड़ता, यहां पे नहीं पड़ना सेल का। चलो जी आगे, डेटर्स और कैश का, कम टू फोर्थ पॉइंट, पढ़ो फोर्थ, आप देखो इफेक्ट, हाँ दिस ऑल्सो यू हैव टू थिंक, परचेज रिटर्न। चलो सारांश एंट्री बोलो परचेज रिटर्न की, जर्नल एंट्री बोलो परचेज रिटर्न। 2,000 का सामान मैंने वापस भेजा, जर्नल एंट्री दोबारा बोलो, अच्छा क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न, क्या हो गया, रिटर्न कभी कैश में होनी, सामान वापस गया, जिसको गया पर्सनल अकाउंट को मिलो, माई कस्टमर्स आर सेंडिंग बैक द गुड्स टू मी, सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री अभिषेक, सेल्स रिटर्न भी तो आ सकता है यहाँ पे, सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री है अभिषेक, विल टेल, सेल्स रिटर्न, ठीक है, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, बिल्कुल इसका रिवर्स, ठीक है, यहाँ पे क्रेडिटर्स टू परचेस रिटर्न, क्या कम हुआ, क्या इफेक्ट है, परचेसेस बड़ी, अपना खरीदा हुआ सामान वापस भेजा है, क्लोजिंग भी कम है और परचेसेस भी कम है, देखो जरा डबल इफेक्ट है, हाँ बिल्कुल, खरीदा हुआ सामान वापस भेजा है, ये खरीद के लेके आए आपको पसंद नहीं आया या टूटा फूटा निकला तो परचेसेस विल कम डाउन। और याद रखो, जब प्लस वन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे, जब परचेस रिटर्न की एडजस्टमेंट आती थी तो आप उसे परचेसेस में से माइनस करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में नेट परचेसेस लिखते थे, तो डेफिनेटली इट विल रिड्यूस ना। और सेकेंड इफेक्ट किस पे है, क्लोजिंग स्टॉक, जब मैं परचेस करके लाई तो मेरी परचेसेस भी बढ़ी, स्टॉक भी बढ़ा, जब मैं वही सामान वापस भेज रही हूं तो परचेसेस भी कम है, क्लोजिंग स्टॉक भी कम है, डबल इफेक्ट, गेटिंग इट, चलो करवाओ फिर से फर्क नहीं पड़ना। कितने का सामान वापस भेजा है, 10,000 का, ओपनिंग वॉस 20, परचेसेस पर, परचेसेस पर 160 था गिवन है ना, 10,000 का वापस चला गया 150, क्लोजिंग स्टॉक वॉस 60, 10,000 का वापस चला गया 50, सो इट कम्स टू मी 120, पहले भी 120 था, नो चेंज एट ऑल। अब डिनोमिनेटर में फर्क पड़ेगा, व्हाई, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कम्स डाउन, जब क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया मींस डिनोमिनेटर में एवरेज कम आएगी, जब एवरेज कम आएगी मींस डिनोमिनेटर कम होगा और न्यूमिनेटर सेम रहेगा, रेशियो विल इंक्रीज, इज इट सो,
यस, डबल इफेक्ट करवा रही हूं बार बार। सामान का खरीद के लेके आना भी दो चीजों पे इफेक्ट है, वन इज परचेसेस इज बीइंग इंक्रीज एंड अदर इज स्टॉक इज बीइंग इंक्रीज। परचेस रिटर्न दो चीजों पे इफेक्ट है, आपका खरीदा हुआ सामान ही वापस गया, परचेसेस विल कम डाउन एंड क्लोजिंग स्टॉक विल आल्सो कम डाउन। अगला भी आप ही बताओगे, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बोलो एंट्री, बोलो पहले गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स टू परचेसेस, गुड्स है ना, परचेसेस विल कम डाउन एज वेल एज स्टॉक विल कम डाउन, सेम क्या रहेगा, इंक्रीज। कहता एक्सप्लेनेशन सेम है डी जैसी, ठीक है। अगला भी सेम है, व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल तब एंट्री क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस, अगेन परचेसेस विल कम डाउन एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक विल कम डाउन, न्यूमिरेटर विल रिमेन सेम बट डिनोमिनेटर गेट्स डिक्रीज, दैट्स व्हाई रेशियो विल इंक्रीज। एक्सप्लेनेशन इज सेम एज ऑफ अबव, एनी डाउट, एनी डाउट टू एनीवन, शुड आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट रेशियो, ITR is done. Okay, let's start with next ratio. TR, bolo full form. Yaad karne ka, formula yaad karne ka ek hint. Trade receivable turnover. Koi ratta nahi lagayega, formula apne aap aapke dimag mein baithega. Trade receivables includes. When a debtors arises on cash sales or on credit sale, so credit sale numerator है, याद रहेगा numerator. Debtors are related with, DR is related with credit sale, है ना? तो sale को sale ना कह के हम इस class में revenue from operation कहते हैं, कर सकते हैं ऐसा? Yes. हर turnover ratio में average आना नीचे. इन्वेंट्री में एवरेज इन्वेंट्री आई थी, यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आएगा भाई। एनी डिफिकल्टी इन रिटेनिंग द फॉर्मूला, सारा लॉजिक मैंने बताया। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड्स बीआर एंड डेटर्स, व्हेन डेटर अराइजेस, व्हेन कैश सेल इज देयर और क्रेडिट सेल इज देयर, सो क्रेडिट सेल को न्यूमिरेटर बना लो। हर टर्नओवर रेशियो में एवरेज नीचे लेनी है, किस चीज की एवरेज लेनी है, नाम की, रेशियो का नाम क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, तो उसका एवरेज ले लो, आंसर टाइम्स में। अब ध्यान से सुनना, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकाले जाएंगे, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर, नॉट डिवाइडेड विद 4 बट डिवाइडेड विद 2। व्हाई? बिकॉज बीआर एंड डेटर इन इटसेल्फ इज वन टर्म एंड दैट वन टर्म इज आर रिसीवेबल, दिस मीन्स ओपनिंग रिसीवेबल, दिस मीन्स क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ओके, if in the question provision for doubtful debt is being given, will you deduct that debtor provision for doubtful debt from debtors? No, you will ignore it because debtors always I have to take gross here, ye rule hai, वैसे पता है ना, bad debt and provision for doubtful debt debtors में से minus होते हैं, मेरी plus one class ने मेरे को सिखाया हुआ है, लेकिन इस ratio को calculate करते हुए हमने gross debtors लेने हैं provision के बाद के नहीं, net debtors we never take, we always take the gross debtors in the formula, so that's why that provision is always being ignored. Any doubt? जितना मैंने बोला. Why this ratio is being calculated? तेरी बात में पढ़ते हैं. First you tell. Why this ratio is being calculated? It tells us the speed with which we are collecting the funds from our debtors. The speed with which our BRs get matured and we collect the money from our debtors. Who are my debtors in case of BR? My drawees. We are drawer and they are drawees to me. Getting it? ठीक है. So it shows our efficiency. मान लो मेरे डेटर्स बार बार एक्सक्यूजेस बना रहे हैं एंड दिस रेशियो कम्स वेरी लो, अगर ये लो रेशियो होगी मींस वी आर इनएफिशिएंट, मींस वो बार बार बहानेबाजी कर रहे हैं पेमेंट करने में, आई विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि आपने इन बंदों को उधार पे सामान बेचने से पहले इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ही चेक नहीं किया, आपने ब्लाइंडली इन्हें उधार पे सामान बेच दिया और अब इनके पास पैसे नहीं है, वो आपकी पेमेंट नहीं कर पा रहे। So whenever you have to sell the material on credit basis to your customers, you need to check their credit worthiness. आप उनका financial background जरूर check करो, आप market में उनके बारे में inquire जरूर करो, और हमेशा अपने non customers को ही और पुराने customers को ही उधार पे सामान बेचो। नए customers को उधार पे सामान बेचना कभी भी कोई business house prefer नहीं करता, because they are not familiar to you. You are not knowing much about them. आपको उनके बारे में ज्यादा नहीं पता।
एक कस्टमर 10 सालों से लगातार मेरे से सामान खरीद रहा है, मेरी अच्छी उसके साथ रेपो बन गई है, उसने कभी भी मेरा एक सिंगल पैनी भी मारा नहीं है, मींस डेड नहीं हुआ, मींस बैड डेट नहीं हुआ, आई विल प्रेफर टू सेल द मटेरियल नाउ ऑल्सो ऑन क्रेडिट टू हिम बिकॉज ही इज वन ऑफ माई बेस्ट क्लाइंट, आई कांट डिनाई, क्योंकि उसने कभी पैसा कोई मारा ही नहीं है। लेकिन एक नया कस्टमर आया है, किसी पुराने कस्टमर की रेफरेंस है, मैं उसे जानती ही नहीं हूं, उसे कभी भी उधार पे मत बेचना, हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपका पैसा मर जाए। लेट्स सी व्हाट ही इज राइटिंग। चलिए जी देखो, जो मैंने बोला वो सारा कुछ उसने लिखा है, बिकॉज एनी लाइन ही कैन अगेन पिक फॉर एमसीक्यू एंड ही कैन फ्रेम द क्वेश्चन ओवर दैट। Trade receivable is the amount receivable against goods sold and services rendered in the normal course of business. Trade receivable कब arise होते हैं? जब आपने दूसरे लोगों से पैसा लेना होता है। क्यों पैसा लेना होता है? क्योंकि आपने या तो उन्हें सामान उधार पे बेचा होता है या services आपने दी होती हैं उधार पे। If you are running a business of transport agency, तो definitely you will be giving the service and you are not charging in cash from your client। अपना आपका client पुराना है, वो कहता मैं महीने बाद में पैसे दे दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास। तो you are rendering the service on credit basis, right? In other words, amount remaining outstanding against sale of goods and services rendered are trade receivable. Trade receivable includes both debtor and BR. This is what he is writing. So, if somebody asks from you, what is the meaning of this ratio? This is a ratio which establishes the relationship between, bolo, credit revenue from operation and average trade receivable. Ye ratio meri kin do terms mein relationship establish karti hai, bolo? Why not sale? Why only credit? Why not sale? Because the ratio's name is trade receivables and trade receivables are not related with cash sales. Cash sales se related na debtors hote hain na BR hote hain. BR comes into existence when credit sale is there. Debtors comes into existence when credit sale is there. For example, if in the question he is giving you a you total sale, will you take total sale as numerator? No, you will find cash sales. आप total sales में से cash sale minus करोगे, जो बच जाएगा वो credit sale होगा और वो आपका numerator बनेगा। ठीक है? यहाँ पे again you have to apply your mind because formula is not saying only sale. Formula is having a prefix. Formula में एक prefix है sale से पहले. That is what we call credit sale. Right? आगे चलो. फॉर्मूला के नीचे वेन वर्ड पढ़ो। वेन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज कंप्यूटेड, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट डिडक्टेड। नोट को अंडरलाइन करो या सर्कल करो या स्टार बनाओ। समझा दिया मैंने? विल यू डिडक्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फ्रॉम डेटर्स? नो। ठीक है? Is not deducted from trade receivable since the purpose is to calculate the number of days for which the sales are tied up in receivable and not to assent in the realizable value of the debtors. हमें नेट वैल्यू नहीं चाहिए डेटर्स की, हमें ये चाहिए कि कितने दिन लगते हैं और कितनी स्पीड से हम अपने डेटर से पैसा क्या करते हैं कलेक्ट। देन व्हाई टू कैलकुलेट द नेट डेटर्स? वी विल बी स्ट्रेसिंग ओनली अपॉन ग्रॉस डेटर्स। पढ़ो जी, दिस रेशियो इंडिकेट्स ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। रीड इट। दिस रेशियो इंडिकेट्स नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब साल में कितनी बार। अगर आंसर आता है इसका 10 times, इट मीन्स कि साल में अगर 12 महीने होते हैं तो 10 बार आप अपने डेटर से कलेक्शन करते हो। हायर द रेशियो, more will be your efficiency. ठीक है? This ratio indicates the number of times trade receivables are turned over into what? Cash. साल में कितनी बार आपके debtors cash में convert होते हैं? Higher the ratio, better will be your performance in the collection of your BR or debtors. मतलब बहुत जल्दी जल्दी आप अपने डेटर्स और BR से पैसे कलेक्ट कर लेते हो, और वो भी कौन से हालात होंगे? जब आपके डेटर्स आपको एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, जब आपके डेटर्स पे आपको भरोसा है और वो भी आपका नेम और फेम खराब नहीं करते। दे डोंट ब्रेक योर ट्रस्ट। आपने ट्रस्ट करके उन्हें उधार पे सामान बेचा एंड दे आर रेडी टू मेक द पेमेंट ऑन टाइम। कोई भी डेटर आपका कोई एक्सक्यूज नहीं बनाता, तो यू आर एफिशिएंट इनफ इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो इट शोज द एफिशिएंसी इन द कलेक्शन ऑफ अमाउंट ड्यू अगेंस्ट रिसीवेबल। अ हाई रेशियो इज बेटर सिंस इट शोज द डेट आर कलेक्टेड मोर प्रॉम्प्टली, मींस बहुत जल्दी। अगर ज्यादा हाई रेशियो है, मींस बहुत जल्दी जल्दी आप अपने डेटर्स और बीआर से पैसे क्या कर लेते हो? कलेक्ट कर लेते हो। अब आमतौर पे मैं अगली रेशियो को, वैसे वो आमतौर पे पूछता नहीं है, लेकिन क्योंकि बुक में मेंशन है तो आई विल बी डिस्कसिंग सर्टन ट्विन्स। एक तो ITR का ट्विन, उसको वहां पे मेंशन कर देना चाहिए था। ITR की एक ट्विन रेशियो है, सिमिलरली TR की एक ट्विन रेशियो है, दोनों साथ साथ चलेंगे। ITR अपने आप में एक फुल फ्लेज रेशियो है, इसकी ट्विन रेशियो है एवरेज
कन्वर्शन पीरियड, इससे शायद वहां पे नहीं डिस्कस किया, कन्वर्शन पीरियड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कितने दिन लगते हैं आपके स्टॉक को सेल में कन्वर्ट होने में, कन्वर्शन पीरियड। इसके एक ट्विन रेशियो है, उसे बोलेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड, कितने दिन लगते हैं या महीने लगते हैं अपने डेटर से पैसा कलेक्ट करने में। सो ईदर दिस रेशियो विल बी इन मंथ्स आंसर और इन डेज, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप डेज में निकालते हैं कि मंथ्स में निकालते हैं, और इट कैन बी इन मंथ्स और इन डेज। कैसे? बहुत आसान फॉर्मूला है। अगर आप डेज में निकालना चाहते हैं तो साल में 365 दिन होते हैं, 365 आमतौर पे कैंसिल नहीं होता, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए 360 डेज इन अ ईयर ले लेते हैं। न्यूमिरेटर में 360 डेज लीजिए, या महीनों में निकालना है तो साल में 12 महीने होते हैं, नीचे ITR से डिवाइड करना। मैंने बोला साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन हम उसे राउंड ऑफ कर लेते हैं, हमारी कैंसिल करना आसान हो जाता है, ठीक है, डन। और यू कैन टेक, अगर मंथ्स में निकालना है तो हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर इज देयर, दैट इज 12 मंथ्स। मान लो ITR का आंसर 3 टाइम्स आता है, मैं महीनों में निकाल रही हूं, ITR का आंसर 3 मीन्स 4 महीने लगते हैं आपके स्टॉक को गोडाउन में रहने के लिए, और उसके बाद ये बिक जाता है। मान लो मैं इसे डेज में निकालू तो 360 डिवाइडेड बाय 3 तो कितने दिन बनेंगे, 120। ये मंथ्स आना, 4 महीने हो या 120 दिन हो, एक ही बात है ना। On an average, I consider 30 days in a month. On an average, 2 फरवरी में कभी 28 होते हैं और कईयों में 31 होते हैं, लेकिन अपनी convenience के लिए हम इसपे ऐसे change कर लें। It is never being asked in the paper, but it can be asked. अभी तक कभी पूछा नहीं उसने, लेकिन he can frame the question because it is a part of our syllabus. Book में है, ठीक है? Average conversion period कैसे? अपने आप में एक ratio नहीं है, अलग से एक twin है इसका। ठीक है, ITR का ट्विन है, मींस कितने दिन लगते हैं। ITR हमें क्या बताती है, कितनी तेजी से और साल में कितनी बार आपका स्टॉक सेल में कन्वर्ट होता है, मींस आप सामान कितनी बार लेके आते हैं और वो बिक जाता है साल में। और अब आपने बताना है कितने महीने लगते हैं या कितने दिन लगते हैं, तो महीनों या दिन को न्यूमिरेटर बना लो और ITR पहले ही निकाल चुके उससे डिवाइड कर दो ना, हाउ इजी इट इज। यहां पे इसे क्या बोलेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड। सो दिस विल बी इक्वल टू ईदर 360 डेज न्यूमिरेटर, महीनों में निकालना है तो 12 मंथ्स इन ईयर डिवाइडेड बाय TRTR, ठीक है जी। तो कैसे निकाले, मान लो 4 टाइम्स है आंसर TRTR का, तो 3 मंथ्स मींस अगर डेज में निकालेंगे तो हाउ मेनी डेज, 90 डेज, ठीक है जी। सो इसका कन्वर्शन पीरियड होगा, इसका कलेक्शन पीरियड होगा, एनी डाउट। चलिए इलस्ट्रेशन देखते हैं, जो टिपिकल है वही करेंगे। 82nd इलस्ट्रेशन देखते हैं, पहली दो आसान है। 82nd इलस्ट्रेशन अबाउट TRTR, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TRTR, बोलो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TRTR, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सो ट्रेड रिसीवेबल्स आर रिलेटेड विद क्रेडिट सेल्स, सेल्स को इस क्लास में सेल ना कह के हम क्या कहते हैं, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी, कह दो यस, यस, इट्स नॉट एवरेज इन्वेंटरी, इट्स एवरेज ट्रेड रिसीव, ठीक है जी। 82nd में देखो डाटा क्या गिवन है, आसान है ये रेशियो बहुत। Opening and closing receivables are given. Opening provision for doubtful debt and closing provision for doubtful debt I will ignore. Provisions I never consider, right? So opening trade receivable, closing trade receivable, मैंने दोनों को add किया, 45,000 आया, 45,000 को मैंने 2 से divide किया, 22,500, done already. ऊपर मेरे को credit revenue from operation चाहिए, मेरे पास total revenue from operation है 2,87,500, बीच में से minus करेंगे 1,12,500. कर दो कैंसर, आगे आंसर कितने पे जाएगा, 5 टाइम्स, मींस साल में 5 बार आपने अपने डेटर्स और बीआर से पैसा कलेक्ट करते हैं। कैन यू कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड, हाउ कम, 360 डिवाइडेड बाय 5, करो कैंसर, 7 पे 35, 72 डेज लगते, ठीक है जी। जहां तक पॉसिबिलिटी हो, डेज में अगर कैंसिल हो जाता है तो डेज में करो, अगर मंथ्स में करेंगे तो डेसिमल्स में आएगा, फ्रैक्शंस में आएगा, बेटर टू कैलकुलेट इन डेज, ठीक है।
डन, जहां तक पॉसिबिलिटी हो ये, अगर पूछे तो कैलकुलेट करना है, अगर नहीं पूछता तो नहीं कैलकुलेट करना। 83rd देखो, काम एट 83rd, क्लोजिंग डेटर्स आर, जो लिखा है वो पहले मैं बताती हूं आपको, क्लोजिंग डेटर्स आर 40,000, क्रेडिट सेल डायरेक्टली गिवन है, न्यूमिरेट नहीं नहीं रिलेशन है, नेट क्रेडिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट हियर, रिटर्न्स माइनस करने के बाद, तो आपको नेट ही लेनी होती है हमेशा यहाँ पे, सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद, ठीक है, सो ही इज गिविंग यू नेट सेल है, नेट क्रेडिट सेल जो है, नेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 25% ऑफ कैश सेल, सो लेट मी अज्यूम कैश सेल इज इक्वल टू एक्स, इज इट करेक्ट, एक्स कैश सेल है, क्रेडिट सेल उसका 25% है, 25/100 बन गया 1/4, एक्स ओवर 4 इज इक्वल टू टोटल सेल, लिख सकती हूँ, यस और नो, निकल जाएगी मेरे से वैल्यू, टोटल सेल शायद दे रखी होगी कहाँ पे, ओके टोटल सेल इसको पहले करो, 4x प्लस x 5x ओवर 4 इज इक्वल टू 1,50,000, क्रॉस मल्टीप्लाई फटाफट करवाओ, 1.5 लाख को 4 से मल्टीप्लाई किया बन गया 6 लाख, 6 लाख को 5 से डिवाइड किया, x की वैल्यू आई 120, ये तो कैश सेल आई भाई, टोटल सेल 1.5 लाख है, कैश सेल बीच में से माइनस कर दो, 30,000 विल बी योर क्रेडिट सेल विच इज माई न्यूमिरेट, हाउ इजी इट इज फॉर मी, 30,000 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर्स आर 40,000, ओके क्लोजिंग आर विद मी, ओपनिंग कैसे है, he says excess of closing debtors over opening debtor is 20,000, it means ki opening 20 hai, agar closing 20,000 hai aur kehta jo 40,000 closing hai wo opening ke comparison mein 20,000 zyada hai to definitely wo 40 honge aur opening kitne honge 20,000 honge to kya bana 40 plus 20 kitna bana 60 divided by 2 30 over 30 one time 4 saal mein ek baar 12 महीने का टाइम पीरियड दे दिया आपने अपने डेटर्स और बीआर को, साल में तो तख्ता पलट जाता है भाई, वहां पे तो दिनों में बदल गया अफगानिस्तान जो तालिबान चला गया वहां पे, ठीक है ना, तो साल, वन ईयर इज अ वेरी बिग टाइम पीरियड, डेटर्स को कभी भी 3-4 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड मत दो, तो आप साल में एक बार अपने डेटर्स से कलेक्ट कर रहे हो, यू आर पुअर, योर एफिशिएंसी इज नॉट अप टू मार्क, rest of the things we will continue tomorrow, in the first period again we will discuss tomorrow your revision test questions and then we will proceed to your inventory turnover ratio, and tomorrow one period I will use for business studies revisions too, theek hai, mere ko lagta hai now we took the pace and we are able to finish before exam, ho jayengi hamari ratio khatam kyunki ab sari aasan hai.